हम चेंज क्यों करते हैं शिफ्ट्स? बंदे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, थक जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर कैपेबिलिटी है 10 घंटे काम करने की, उनके अंदर 12, उनके अंदर 14, 16, 18, 20, 22। हर बंदे की डिफरेंट है या कॉन्स्टेंट है? डिफरेंट है। तो आपके हिसाब से हर बंदे की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देना चाहिए। अब वो 16 घंटे का, तो उसको 16 घंटे वाला काम दे दो भाई, उसको 8 घंटे वाला दे दो, उसको 10 घंटे वाला दे दो, हर किसी के हिसाब से। या एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर कोई 8 घंटे काम करेगा भाई। आज एक बंदा 16 घंटे काम कर रहा है, कल नहीं कर सकेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इस मोड पे चलाया ना आपने कि उसको 2 बंदों का काम दे दिया क्योंकि वो 16 घंटे काम कर लेता है, कल को जब वो कहीं बिजी होगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन हिलना शुरू हो जाएगी। और फिर होगा क्या यार, तुम काम होगा भाई, पिछले 4 साल से 2 बंदों का काम करते हो, वो क्यों अपने से अपनी इस्तेदाद से बढ़ के काम ले रहा है? शरीयत के अंदर अपनी इस्तेदाद से बढ़ के काम लेने को डिमीन किया गया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, क्यों अपने से बढ़ के काम लिया तुमने जिसके लिए तुम इस्तेदाद नहीं रखते? काम दा तो क्या हुआ, और लोग करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करो, दूसरों को मौका दो। 16 घंटे काम क्यों? अल्लाह कह रहा है मैंने अपने फरिश्तों को ये नहीं किया, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, शाम को जाते हैं सुबह वापस आ जाते हैं।